वेलकम बैक नाजरीन क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदेद। बात हो रही है एक ऐसे मसले की, एक ऐसे कंट्रोल की जो इंसान के अपने बस में हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन बस से निकल जाए तो बड़ा मसला है। वो है यूरिनरी कंट्रोल, आपका यूरिन पास करने का, पेशाब खारिज करने का जो एक कंट्रोल है आपके पास। लेकिन बदकिस्मती से बहुत सारे इस दुनिया में, खुसूसन हमारे मुल्क में भी, सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों लोग ऐसे मसले का शिकार होते हैं। और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसमें उनको अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं होता, गैर इरादी तौर पे पेशाब जो है वो खारिज हो जाता है, जिसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। तीन हमने किसके किस्में वैसे बताई हुई हैं, यूरिथ्रल इनकॉन्टिनेंस की, जिसमें स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है और मिक्स इनकॉन्टिनेंस है। और हमारे साथ मौजूद हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ यूरोलॉजी डॉक्टर सैयद इम्तियाज़ अली साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस से शुरू करते हैं और उसके बाद फिर हम सब बारी बारी सबका इलाज बात पूछते हैं। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस जो कि आपने बताया कि ज़्यादातर अमूमन ख़वातीन में होता है, खांसने से, छींकने से, उठने से, बैठने से जो है पेशाब जो है वो गैर इरादी तौर पे खारिज हो जाता है। और एक वजह आपने बताई कि जहाँ पे मल्टीपैरिटी, जहाँ पे जो है ज़्यादा प्रेगनेंसीज हुई भी होती हैं, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस मेरे ख्याल में नहीं होती हैं, जिसकी वजह से। अब जिन ख़वातीन के साथ ये मसला है, इसका इलाज क्या है? इसका इलाज सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाए, हिस्ट्री ली जाए और हिस्ट्री लेकर उनसे ये देखा जाए कि क्या ये इनकॉन्टिनेंस की कौन सी टाइप है। अगर ये प्योरली जेन्युइन स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है तो फिर हम उसके देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं जो इनमें ऐसे मौजूद हैं जिसकी वजह से ये इनकॉन्टिनेंस हो रही है। क्या जो खातून हैं वो ओवर वेट हैं, क्या उनको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन रहती है, क्या क्रॉनिक खांसी रहती है उनको, क्या डायबिटिक हैं वो साथ साथ, ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको एलिमिनेट करना। अगर वज़न ज़्यादा है, नेचुरली ब्लैडर के ऊपर एब्डोमिनल कॉन्टेंट्स का जब वज़न पड़ेगा तो ब्लैडर का प्रेशर बढ़ेगा और यूरिथ्रा के प्रेशर से जब वो एक्सीड करेगा तो इनकॉन्टिनेंस हो जाएगी। खांसने से नेचुरली डायफ्राम नीचे जाती है तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, ये पेट का प्रेशर बढ़ता है, तो इनडायरेक्टली ब्लैडर का भी प्रेशर बढ़ता है। ठीक है। जब ब्लैडर का प्रेशर बढ़ रहा है और यूरिथ्रा वीक है, क्योंकि पेल्विक फ्लोर वीक है, वो मसल्स वीक हैं जो ब्लैडर को सपोर्ट करते हैं, तो वो गिव वे कर जाएंगे, ब्लैडर का प्रेशर एक्सीड करेगा और कुछ कतरे निकल जाएंगे। ये हो तो गई आप क्या करें, मोटापे का आपने कहा। एग्जैक्टली सबसे पहले तो हम उनको दो तीन चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले तो हम उनको कहते हैं कि मॉडरेट एक्सरसाइज, मॉडरेट वॉकिंग शुरू करें और साथ साथ खाना पीना अच्छा, बहुत से लोगों को मॉडरेशन, वॉक करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए भी प्रॉब्लम हो जाती है जिनको स्ट्रेस इनकॉन्ट। स्पेशली अगर हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज लाइक यू नो बास्केटबॉल, ऐसी हाई इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज हम कभी रिकमेंड नहीं करते। हम उनको ट्रेडमिल के ऊपर वॉकिंग रिकमेंड करते हैं, और अगर इवन ट्रेडमिल के ऊपर वॉकिंग से भी वो इनकॉन्टिनेंट हैं तो पैड्स के साथ एटलीस्ट वो अपनी मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी तो जारी ठीक करें। है। इसके अलावा साथ साथ वजन कम इसी तरह होगा, कुछ डाइट का फैक्टर है। इसके साथ कीगल एक्सरसाइजेस बड़ी मशहूर हैं, कीगल कीगल KEGEL, ये क्या होती है बता ये दीजिए। एक्सरसाइजेस ये हैं कि पेल्विक फ्लोर को कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला करें, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट करें और ढीला करें। ये मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, इस तरह समझें जैसे ख्वातीन, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, इस तरह जिस तरह मार्बल को यू नो अंदर की तरफ सक करें, वो प्यूबोकॉक्सीजियस मसल एक होता है ठीक है जो एक्चुअली की मसल है इनकॉन्टिनेंस का। ठीक है ये अगर कोई समझ जाए इसको कॉन्ट्रैक्ट करना और ढीला करना, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट करना और ढीला करना 25 दफ़ा सुबह और 25 दफ़ा शाम। अगर ये प्यूबो कॉक्सीजियस मसल समझे जैसे रेक्टम को अंदर की तरफ, या अगर किसी फिजियोथेरेपिस्ट से भी पूछ लें। एग्जैक्टली एग्जैक्टली फिजियोथेरेपिस्ट से पूछ लें तो वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेगा। जी हाँ। मगर मैं ऑन एयर इसलिए बता देता हूं कि इसमें जो खवातीन इस अजाब से या इस प्रॉब्लम से गुजर रही होती हैं वो किसी कीमत पे भी इससे छुटकारा चाहती हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। डिवोर्सेस भी हो गई हैं, तलाकें डाइवोर्सिस हुई। बिल्कुल हो चुकी हैं, हम ऐसी फैमिलीज को जानते हैं। 65 साल की उम्र के बाद तकरीबन 30% खवातीन और मर्द हजरात जो है वो किसी ना किसी इनकॉन्टिनेंस का शिकार जरूर होते हैं। ये यंग एज बहुत में भी होता ज्यादा है। यंग एज में बच्चों से शुरू होती है, नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की सूरत में। इसके बाद जो जवानी का पीरियड है रिलेटिवली दे आर स्पेयर ड्यू टू ठीक है अदर रीजंस। चलें, एक तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज हो गई। जी अच्छा, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हमारी यहाँ वो ख़वातीन जो कि अब डिलीवरी के फेजेस से गुजरेंगी या गुजर रही हैं, जब इनको जाना होगा, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में
पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेज आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड नहीं रिकमेंड की जाती हैं अभी तक। शायद दो चार पांच ही अच्छे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आके ख्वातीन को बताता है कि आपको जो है अब ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस करनी है। तमाम हॉस्पिटल्स वालों को इस वक्त आप क्या मैसेज देंगे जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में जितने भी मेटर्निटी होम्स हैं या जहाँ पे गायनी ऑफ्स का सेक्शन है कि वो लोग क्या करें? पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस तो सर आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत मगरी के, मैं समझता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि ख़वातीन, मेरे पास अभी 19 केसेस की सीरीज़ है पिछले 5 सालों में जो मैंने PNH शिफा में की है। प्रोलोंग लेबर से फीटल हेड यानी बच्चे का जो हेड है वो अगेंस्ट द प्यूबिक बोन प्रेस होता है और ब्लैडर नेक्रोज हो जाता है, विजाइनल वॉल नेक्रोज हो जाती है और ख़वातीन वजाइको विजाइनल फिस्चुले के साथ प्रेजेंट करती हैं। ये तो एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, स्पेशली जो ये हमारी बेल्ट है इसमें फिस्चुला सेंटर्स बने हैं। प्रोफेसर शेरशाह जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इसमें काम किया जी शेरशाह सैयद ने फिस्चुला ट्रीटमेंट के लिए, मैंने उनके साथ कुछ कैंप्स भी अटेंड किए हैं। विजाइको विजाइनल फिस्चुला प्रोलॉन्ग लेबर की एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहले तो प्रोलॉन्ग लेबर और फीटल डिस्ट्रेस और मेटरनल डिस्ट्रेस ना होने दें, ठीक है। उससे आगे जब चलेंगे तो फिर ये पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस की ठीक है मरहला आएगा। एक कॉल लेते हैं डॉक्टर साहब, दो कॉल हैं। मुइन साहब हैं कराची से, अस्सलाम वालेकुम मुइन साहब। सलाम डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मुमकिन है कि जो मैं सवाल कर रहा हूँ आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो, मगर मैं पूछ लेता हूँ अगर आप मुनासिब हैं। जो ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, जी जी, तो अक्सर माएँ उनके जैसे बड़ी परेशान होती हैं कि रात को उनको उसकी वजह से देखभाल भी ज़्यादा करनी पड़ती है, तो अक्सर बेशतर क्लिनिक्स पे उनको दवा दे दी जाती है कि रात को वो पेशाब ना करें। तो मेरा ये पूछना था कि क्या ये दवाएँ मुसलसल लेने से उन बच्चों के यूरिनरी ट्रैक पे कोई बाद में जाके एडवर्स इफेक्ट पड़ सकते हैं? एक क्योंकि लोगों को अब नाम पता चल गया तो बहुत सारे लोग खुद से भी ले लेते हैं, तो क्या इस तरह की दवाओं को खुद से ले लेना उस बच्चे की किसी नशोनुमा के मरहले में कोई दुश्वारी पेश आ सकती है या किसी बीमारी का सामना करना पड़ सकता है उस बच्चे को? ये सवाल था। बहुत अच्छा सवाल है, ये आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे बहुत छोटे बच्चों में ब्लड प्रेशर अब कॉमनली देखने में आ रहा है, किडनी के मसाइल देखने में, जी जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, क्या इन दवाओं का उसमें कोई रोल है? ठीक है, नॉक्टर्नल एनुरिसिस पे हम डेफिनेटली आज हम बात करेंगे कि रात को जो बच्चे बिस्तर में पेशाब कर लेते हैं 4 साल से ज्यादा उम्र के। एक और कॉलर हमारे साथ, ज़ियाफ़त साहब, अस्सलाम वालेकुम। ज़ियाफ़त साहब मौजूद हैं या इनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है? आई एम सॉरी ज़ियाफ़त साहब। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए आपने कहा एक तो पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस बताई, और इसके अलावा क्या करें ख्वातीन या हजरात जिनको ये मसला है? दूसरी चीज़ ये है कि ये बाय द क्लॉक अवॉइड करना, हम इनको कहते हैं कि हर 2 घंटे बाद जाके यूरिन कर लें और कोशिश करें कि 15 मिनट जब यूरिन की पहली कॉल आए 15-20 मिनट उस कॉल को होल्ड कर सकें। अच्छा, थोड़ी देर उसको डिले करें। जब ये जब इनहिबिटरी सिग्नल जाएंगे ना ब्रेन से, तो ये बायोफीडबैक मैकेनिज्म के तहत जो है वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दोनों जो है उसमें फायदा होता है। ठीक है, हर दफा जो है जब भी पहली कॉल आए उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करें यूरिन को। ओके, उससे बहुत फर्क पड़ता है। कॉल मींस ख्वाहिश हो, ख्वाहिश हो, यानी मतलब लोग ना समझे कि मोबाइल पे कॉल आएगी कि आप यूरिन कर लें जाके, मींस अगर आपको ख्वाहिश हो रही है तो उसको थोड़ा सी देर के लिए 10-15 मिनट तक कंट्रोल करने की कोशिश करें। बिल्कुल। अच्छा, कॉल की जो बात की अभी इनकॉन्टिनेंस, जो नॉक्टर्नल बात की कि नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस की इन्होंने बात की, एक्चुअली जो ब्रेन जो है उसको ब्लैडर एक कॉल देता है और फुल ब्लैडर की कॉल जो है इन बच्चों में जो नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस वाले होते हैं उनमें ब्रेन जो है वो ब्लैडर की कॉल सुन नहीं पाता रात के वक्त और उठा नहीं देता और बिस्तर पे पेशाब हो जाता है। अच्छा, ये बताइए अमूमन बच्चे जो हैं 3-4 साल तक के, तो ये तो एक नॉर्मल सा, ये बिल्कुल है, नॉक्टर्नल एनुरिसिस या रात में बच्चों का पेशाब करना किस उम्र से आप एबनॉर्मल समझ सकते हैं? लेकिन उससे पहले हमारे साथ 2-3 और कॉलर हैं, उनको बहुत देर से होल्ड पे हैं। एक और हमारे साथ कॉलर है, मोइन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हैं जनाब? हाँ डॉक्टर साहब, मेरा सवाल डॉक्टर से था अगर आपकी इजाज़त हो तो। अरे बिल्कुल जी, आपके लिए प्रोग्राम है। थैंक यू सर, थैंक यू। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब मेरा सवाल ये था कि एक नॉर्मल इंसान को एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए और कितने आवर्स के बाद जो है उसको यूरिन पास करना चाहिए,
और बाद अवत ऐसा भी होता है कि यूरिन का जो कलर होता है कुछ व्हाइट होता है कुछ येलो होता है, क्या ये तशवीश वाली बात तो नहीं होती या मौसम की कुछ की वजह से हो रहा होता है ठीक है या कम पानी पीने की वजह से? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। एक और हमारे साथ कॉलर है रहिला साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जनाब सर, एक्चुअली मुझे अपनी कांटी का मसला पूछना था। ये जो सर स्ट्रेस के बारे में बता रहे थे, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, तो उनके साथ भी कुछ ऐसे ही मसला है कि नमाज के लिए ये खांसी आई या छींक आई तो वो यूरिन पास हो जाता है। उनका वेट भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मसला ये सर कहते हैं एक्सरसाइज में तो वो इतनी सुस्त हैं कि वो तो दवाइयाँ भी नहीं खाती हैं, एक्सरसाइज तो बहुत दूर की बात है और वो चाहती भी कि मसला हल हो जाए। वजन उनका कितना है? मेरे ख्याल से 80-90 के जी। उनका सुस्त मींस के वो हर चीज में स्लो है क्या? बहुत लेजी हैं सर, बहुत लेजी हैं वो, मतलब उनके लिए घर का काम करना भी बहुत मुश्किल। अच्छा, एक मशवरा देता हूँ, क्योंकि इस जो आपने इनका बता रही, एक तो वजन भी ज्यादा है, ऊपर से वो थोड़ी स्लो भी हैं, किसी फिजिशियन के पास जाके उनके थायराइड के फंक्शंस भी टेस्ट कराएं। Am I right, डॉक्टर साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो ये तो एक पहले तो थायराइड सही होगा तो फिर इनकॉन्टिनेंस का मसला सही होगा। ठीक है राहिला साहिबा। और सर एक चीज और पूछनी थी सर, इन्फेक्शन जैसे यूरिनरी होता है जी जी, तो सर उसमें रात के वक्त ये तकलीफ क्यों ज्यादा, जैसे यूरिन पास करने में मतलब जलन होती नहीं है। होता है और इरिटेशन होती है जी जी, तो उससे सर में भी कुछ गाइड कर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मजीद बातें करेंगे, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस पे बात करेंगे, बच्चों के हवाले से भी बात करेंगे कि बच्चों के लिए, क्योंकि माओं के लिए एक बहुत बड़ा मसला होता है और कि कहीं घर से नहीं जा पाते, कहीं दूसरी जगह जाना हो तो मसला कि बच्चे के साथ क्या करें, सारी बातें करेंगे। लेकिन वक्त हुआ है बहुत छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।